जे डब्ल्यू इंफ्रा दीपा बहुत ही इंटरेस्टिंग राय इस पर है मेरी तरफ से तो इस तो आमतौर तो पर एक ही लाइन में राय दे देता हूँ आज तीन लाइन में मैं अपनी राय दे रहा हूँ अच्छा नहीं। नहीं। सबसे पहले तो इसमें अप्लाई करें आप इस में ओके दो तरीके से रीजनेबल लिस्टिंग के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी ओके यानी कि ठीक ठाक लिस्टिंग एन भी बनेंगे और लंबी अवधि के लिए भी ठीक दोनों लिहाज से आपको पैसा लगाना है और इसको पैसा लगाने के साथ साथ एक जो दूसरी लाइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मस्ट हैव हैव स्टॉक स्टॉक इन इन पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो अच्छा मस्ट मतलब ये ऐसा जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए वाओ wow. ओके okay. ये तीसरा पोर्ट है जो लिस्टेड है डायरेक्टली पोर्ट गुजरात उसके बाद जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नाम इंफ्राइ है, लेकिन ये है पोर्ट का बिजनेस है दो पोर्ट है hmm. बारह टर्मिनल से राइट hmm. तो right? so ये इस और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस है और ये बिजनेस ऐसा है जो लंबे समय में आपको रिटर्न बहुत बढ़िया देता है तो इसको पोर्टफोलियो में रखना है और मिनिमम दो से तीन साल के लिए रखना है वैल्यूएशन इसके रीजनेबल है ठीक ठाक है बहुत अट्रैक्टिव नहीं है और बहुत महंगे भी नहीं है लेकिन दो से तीन साल का अगर आपका व्यू है तो दो से तीन साल में ये कंपनी अपनी परफॉर्मेंस डबल रखने करने का क्षमता रखती है और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फिर आपको वैल्यूशन रीजनेबल दिखेंगे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पोर्टफोलियो में रखिए लॉन्ग टर्म के लिए रखिए दो से तीन साल का व्यू लेके चलिए ये होगी राय आपके लिए और इस बीच में अगर आपको अच्छी लिस्टिंग एम्स मिल जाए बहुत बढ़िया बात है नहीं भी मिले तो कोई चिंता नहीं ठीक ठाक लिस्टिंग हो जाएंगे नीचे लिस्ट नहीं होगा ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं आराम से कोई टेंशन वाली बात नहीं बढ़िया बिजनेस है अब क्या क्या, -क्या पॉजिटिव है सबसे पहले तो जे ग्रुप की तरफ से कंपनी आ रही है तो ग्रुप का बड़ा स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से जे एनर्जी के बाद ये दूसरा स्टॉक है जो अब लंबे समय बाद बारह तेरह साल बाद शायद मेरी कोई कंपनी इस ग्रुप की लिस्ट होने जा रही है तो प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड तो आपको पता है जे स्टील से लेकर जे एनर्जी से लेकर ये सारी कंपनियाँ बहुत ही मजबूत है दूसरा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप पिछले तीन साल का आप देखेंगे जो हमारे पास है हमने मैनेजमेंट से बात भी की गज़ब की ग्रोथ है मतलब और बहुत ही बढ़िया रेशियोज़ हैं हर एक तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लें वेल्यूशन के लिहाज से ठीक है बाकी आ, जो रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ मार्जिन एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से ये दूसरा तीसरा ये आगे चलते हुए ग्रोथ का आउटलुक बहुत स्ट्रॉग है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है कई ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स ये लेने जा रहे हैं और जो अपने ऑलरेडी टर्मिनल्स हैं वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं नया वहाँ पर रिनोवेशन करके वहाँ से भी इनकी ग्रोथ आनी है तो ग्रोथ को लेकर भी कोई चिंता नहीं है और दूसरा कि पोर्ट का और टर्मिनल का बिज़नेस आसान नहीं है करना तो एंट्री बैरियर्स है हर कोई घुस नहीं सकता चाहे तो भी हर कोई घुस नहीं सकता एक तो पैसा बड़ा लगाना होता है लंबे समय में रिटर्न आता है और बिजनेस मिलना आसान नहीं है ये इनके लिए पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव में अगर देखना जाए तो इस आईपीओ के बाद एटी फाइव एंड हाफ परसेंट साढ़े पचासी परसेंट स्टेक बचेगी प्रोमोटर्स के पास पूरा पैसा जो इशू से आ रहा है वो कंपनी के के पास ही जा रहा है प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचें थोड़ा डेट पे रिपेमेंट करेंगे और उसके बाद डेट भी काफ़ी कम हो जाएगा बैलेंस शीट और मजबूत हो जाएगी आ, लेकिन जो सेबी के नियम है उसके मुताबिक अगले तीन साल में साढ़े दस परसेंट स्टेक इन्हें कम करनी होगी तो थोड़ी सी तलवार लटकी रहती है लेकिन बड़ी नेगेटिव है नहीं इनफैक्ट इसको पॉजिटिव की तरह भी देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की इतनी बड़ी हिस्सेदारी कंपनी में पचहत्तर परसेंट की रहने वाली है दूसरा नेगेटिव जो है कि पचास इनका बिजनेस आज की तारीख में जे ग्रुप की कंपनियों से आता है ग्रुप कंपनी ही सबसे ज़्यादा बिजनेस जरिए वैसे देखा जाए अगर ऑन द फेस ऑफ इट आप देखोगे ये तो नेगेटिव है सारा बिजनेस तो वहीं से लेकिन पॉजिटिव साइड पर ये कि इस तरह के बिजनेस में आपको स्टेबिलिटी बहुत चाहिए तो exactly. रेगुलरली so आपको बिजनेस आता रहे वो कमी ना हो तो exactly. so वहां पर इनको एडवांटेज दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले मिलता है तो so दोनों नेगेटिव ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी हैं पार्टली yes. बिल्कुल आई so थिंक उस हिसाब से इन सबको देखते हुए जरूर अप्लाई करना चाहिए छोटे लिस्टिंग है ठीक ठाक लिस्टिंग एन के लिए कर लें ज्यादा बन जाए तो आपकी किस्मत लेकिन लॉन्ग टर्म दो से तीन साल के लिए इस स्टॉक को जरूर पोर्टफोलियो में रखें ये मस्ट है इन योर पोर्टफोलियो पक्का लगाइए